क्या बीजेपी को हराने के लिए हरियाणा में ब्राह्मण विपक्ष के तर्कश के ब्रह्मास्त्र साबित होंगे? नमस्कार, मैं हूं सोनू झा और आप देख रहे हैं लिविंग इंडियन। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुकुट पहनाने जा रहे ब्राह्मण समुदाय के नेता को गर्दन काटने की धमकी दे दी थी। चुनावी मौसम में मनोहर लाल के खिलाफ ये मुद्दा गर्मा था। ब्राह्मण समाज ने इसके बाद बीजेपी के बहिष्कार की धमकी तक दे दी थी, लेकिन खट्टर ने बिना देरी किए खेद व्यक्त किया। लेकिन इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हरियाणा के चुनावी मौसम में बीजेपी को घेरने में जुट गई। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या हरियाणा में विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है? ऐसा नहीं है, कई मुद्दे हैं जिन पर भी विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है, लेकिन जातिगत आधार पर ब्राह्मण कार्ड को विपक्ष इसलिए भुनाना चाह रहा है क्योंकि बीजेपी का अधिकांश वोटर ब्राह्मण है और इस वक्त खासकर हरियाणा में ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नाराज है, क्योंकि मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान बड़े स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे ब्राह्मण समाज आहत हुआ और यही वजह है कि विपक्ष ब्राह्मण वोटर्स को खुश करने में लगा है। पहले आपको बताते हैं कि वो कौन सी बड़ी घटनाएं घटी जिससे ब्राह्मण समाज को आघात पहुंचा। हाल ही की एक घटना जिसमें मुख्यमंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य और बीजेपी नेता हर्षमोहन भारद्वाज को गर्दन काटने की बात कही थी। इससे पहले शहीद मंगल पांडे को लेकर सीएम का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति के विफल होने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, इसी सरकार में सरकारी भर्ती की परीक्षा में भी ब्राह्मण समाज को अपमानित करने वाला सवाल पूछा गया और मनोहर सरकार ने उस मामले को रफा दफा कर दिया। हालांकि कार्रवाई हुई लेकिन सरकार को किरकिरी झेलनी पड़ी। इन्हीं मुद्दों को हर विपक्षी पार्टी भुनाकर ब्राह्मण वोटर्स को बीजेपी से तोड़ने की जुगत में जुटा है। ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले सुमेधा भारद्वाज को महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कमान सौंप दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार को ब्राह्मण समाज केवल तब याद आता है जब उन्हें सत्ता चाहिए होती है, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी देनी हो और उन्हें रोजगार और रोटी का अधिकार देना हो तो सरकार ब्राह्मण को दरकिनार कर देती है। हालांकि अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देकर भी दाव खेलने की कोशिश जरूर करेगी। मैंने अपने माथे से लगाकर और वो परसा जो है वो हमारे मंदिर के अंदर बड़ी विनम्र भाव से आज वहाँ पर भोले शंकर जी के पास चढ़ा दिया। खट्टर साहब तो परसा पकड़कर ब्राह्मण समाज का गला और गर्दन काटते हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं जिस दिन ब्रह्म समाज क्रोधित हो गया उस दिन सत्ता के सिंहासन पर वो बैठे नहीं रह पाए। ब्राह्मण को लेकर अभय चौटाला ने भी सीएम पर निशाना साधा था। अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री खट्टर की तुलना जनरल डायर से की और कहा था कि जलियांवाला बाग में डायर ने अत्याचार किया था, लेकिन सीएम खट्टर उससे भी आगे निकल गए हैं। जनता इन्हें विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। हम तो पहले सुनते थे कि औरंगजेब एक बहुत बड़ा तानाशाह हुआ इस देश दुनिया, ये तो औरंगजेब को पार कर गया। औरंगजेब ने भी कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं तेरी गर्दन काट दूं। उसने भी अगर कोई तानाशाह तरीके से लोगों को दबाया तो उसके लिए उसने अपनी सेना का इस्तेमाल किया, उसने धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री तो हाथ में बर्छा लेके कहता है, अगर वो ब्राह्मण को कहता है कि तेरी गर्दन काट दूंगा, ये ब्राह्मण इसकी गर्दन नहीं इसकी मोटी मोटी कर लेंगे। जेजेपी की बात करें तो ब्राह्मण समाज पर सीएम की टिप्पणी के बाद जेजेपी सरकार पर ज्यादातर हमलावर दिखी थी। अब कुछ टिकटों की घोषणा करते हुए जेजेपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा है। जाहिर है दाव वही कि कैसे भी ब्राह्मण वोटर्स का फायदा उन्हें मिले। इसके अलावा बसपा, आम आदमी पार्टी सभी दलों ने ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब हरियाणा में जातीय समीकरण की बात भी कर लेते हैं। आखिर ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र कैसे साबित हो सकते? हरियाणा में करीब 20% जाट वोट बैंक है।
जो हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ में दिखते हैं। उसके बाद ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी मतदाताओं की संख्या करीब 30%, जिसमें करीब 13% ब्राह्मण मतदाता हैं। अगर ब्राह्मण वोटर्स को तोड़ने में विपक्ष कामयाब होता है तो जाट के 20% और ब्राह्मण के 13% यानी 33% वोट बैंक बीजेपी से अलग हो सकता है। ओबीसी मतदाताओं की संख्या करीब 24% है और 21% अनुसूचित जाति के वोटर्स जो बटे हुए हैं, यानी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मत हैं। यानी विपक्ष अगर सिर्फ ब्राह्मण वोटर्स को तोड़ने में कामयाब होता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर ब्राह्मण समाज ने अभी कुछ तय नहीं किया है। बीजेपी से 20 सीटों की मांग की गई है। हालांकि अभी टिकटों का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये भी तय है कि उतनी सीटें बीजेपी ब्राह्मणों को नहीं दे सकती है। यानी विपक्ष के पास गुंजाइश अभी भी है। अब देखना है कि ब्राह्मण वोटर्स हरियाणा में विपक्ष के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होते हैं या नहीं।